तुझे उसकी चिंता होती ना तो उसकी और हमारी जिंदगी में जहर घोलने नहीं आती। खुद की तो शादी चली नहीं, इसलिए दूसरों की खराब करने उतर आई है। अरे मेरे बेटे की शादी तोड़ी, अब उसके बेटे की शादी में तमाशा कर दिया। और क्या इरादा क्या है तेरा, मेरे बेटे की जान लेगी क्या? बाप प्लीज, ये प्लीज प्लीज के नाटक यहाँ मत कर और निकल यहाँ से। अरे लीला तुम ये क्या कर रही हो, कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि हम कहाँ हैं। हम वहाँ है जहाँ हमें नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से मेरा बेटा अंदर बेहोश पड़ा, इसकी वजह से। चल निकल, इसके पहले कि मैं चप्पल मार मार के तेरा भूतरा बना दूँ, निकल यहाँ से। बाप प्लीज डोंट डू दिस, मैं वी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मैं मेरे बेटे पे तेरी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। भाई आपका घर नहीं है, जो मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही है। ये मेरा घर नहीं है ना, इसलिए सिर्फ जाने को कह रही हूँ। अगर मेरा घर होता ना तो तेरे सर पे एक बाल नहीं बचता। चल निकल यहाँ से। अभी क्या, अभी यहाँ से निकल। यहाँ है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तू क्या, तेरे पुरखे भी जाएंगे, मैं देखती हूँ कि तू यहाँ कैसे रुकती है। अरे मम्मा प्लीज समझाओ इन्हें, मैं वी को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। आप लोगों को मेरे साथ जो करना है आप कर लेना, झगड़ा करना है मुझे भला बुरा बोलना है जो बोलना है बोल देना, मगर वी के ठीक हो जाने के बाद प्लीज मैं वी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने वी को, मैं अपन राज को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज स्टॉप कर अनुपमा प्लीज। ये मगरमच्छ के आंसू ना कहीं और बहाना और निकल अभी क्या भी यहां से। प्लीज अनुपमा स्टॉप कर, स्टॉप कर। तू ऐसे नहीं मानेगी। चल चलती बनी यहां से। चल अनुपमा प्लीज, मुझे वी के पास रहना है प्लीज। रहने दीजिए बा, रहने दीजिए। एक्सीडेंट मेरे बेटे का हुआ है पर दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है, तू उसकी तरफदारी करे इसकी इसकी, तुम्हें पता है ना ये कौन है। आपके बेटे का प्यार है, वो होश में आएंगे तो इसे मिलना चाहेंगे, ये पास में होगी तो शायद वो जल्दी ठीक हो जाए। पूरे समय में किसी का बुरा नहीं सोचते। अनुपमा सही कह रही है, काव्या को यहाँ पर रुकने कैसे दे सकती है? और जो कुछ भाई के शादी में हुआ उसके बाद, ये जो कल तक आप पे इल्जाम लगाते आ रही थी आज आपके सामने बैक कर रही है। अरे एक ही दिन में कोई इतना नहीं बदल सकता है। तू भी तो कल तक अपने पापा से नाराज था और आज उनकी चिंता में रो रहा है, तू भी तो एक पल में बदल गया। कभी कभी जिस घाव को समय नहीं भर पाता उसे हालात भरते थे। झगड़ा नहीं करना चाहिए था वी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी।
तुम्हें कभी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी भी तुम्हें जो करना है तुम करना, मैं कुछ नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। ठीक हो जाओ भी, प्लीज प्लीज, आई रियली लव यू। नो नहीं नंदू, कोई क्लैरिटी नहीं मिली, स्कैन किया लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मिसेस शाह, As per the report, internal injury है। डॉक्टर, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? हम माइनर सर्जरी सोच रहे थे, पर ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल है और ऑपरेशन अभी करना होगा, तुरंत। और इसके लिए हमें ब्लड की जरूरत पड़ेगी। पेशेंट का ब्लड ग्रुप क्या है? O पॉजिटिव। लेकिन तेरा ब्लड ग्रुप तो अलग है, मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी बट आपके एज और आपके हेल्थ देखते हुए हम आपका ब्लड नहीं ले सकते। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। बापूजी आपको शुगर है। डॉक्टर जी आप मेरा खून ले लीजिए ना, मैं ओ पॉजिटिव। नहीं नहीं डॉक्टर, आप मेरा खून ले लीजिए, मैं भी ओ पॉजिटिव हूँ। अनुपमा, मैं तुमसे उम्र में छोटी हूँ और मैं अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखती हूँ। डॉक्टर मैं अपना हेल्थ चेकअप एवरी 6 मंथ्स करवाती हूं। आई एम परफेक्टली हेल्दी डॉक्टर। फाइन, कम विद मी। तो तू मेरे वनराज को खून नहीं देगी? मेरे बेटे से बदला लेने का यही मौका मिला। मैं 25 साल ताने सुने और 25 साल सुन लूंगी। आज का दिन छोड़ दीजिए ना। कोई भी थे क्या फर्क पड़ता है, जान बचनी चाहिए बस। और सॉरी बा, मैंने आपको टोका, और सिर्फ आज के दिन सास मत बनिए, मां बनिए बस, और प्रार्थना कीजिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा वी, You'll be fine. थैंक यू बोलते वक्त रोते नहीं है। तुम्हें पता मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करता है जब हम जो बोल रहे हैं या जो लिख रहे हैं उसमें बिलीव भी करें। जस्ट बिलीव कि पापा ठीक हो जाएंगे। वनराज, वनराज बेटा आपके कॉल। वनराज क्या हुआ है डॉक्टर साहब? इसे प्लीज काम डाउन, हम सर्जरी के बाद ही क्लियर पिक्चर दे पाएंगे। वनराज, वनराज एक बार आके कॉल बेटा, देख देख सब आए हम लोग। वनराज Thank you.
हमें और ब्लड चाहिए होगा। लेकिन सिस्टर, डॉक्टर ने कहा था कि पेशेंट के लिए 2 यूनिट काफी होंगे। फिर और ब्लड क्यों चाहिए? आपने जो ब्लड दिया है पेशेंट की बॉडी उसमें नेगेटिवली रिएक्ट कर रही है। इट हैपेंस, कभी कभी सेम ब्लड ग्रुप होने के बावजूद भी ब्लड पेशेंट को सूट नहीं करता है। ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है, हमें अर्जेंटली ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए। मेरा खून ले लीजिए ना, मेरा खून ले लीजिए। ओके, चलिए आप। लेके जाओ तुरंत। We just hope कि आपका ब्लड सूट कर जाए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। भगवान करे भाभी का खून सूट कर जाए, फिर भी तू अपने सारे दोस्तों को पूछ के रख। मैंने भी अपने सारे ग्रुप्स में मैसेज कर दिया है। ये हॉस्पिटल वाले कुछ बता ही नहीं रहे, बस खून पर खून लिए जा रहे। पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। क्या हुआ सिस्टर? ब्लड सूट किया जी, मिसेस आ का ब्लड पेशेंट को सूट कर गया। देखा, मेरे वनराज के खून को भी पता है कि उसके लिए कौन सही और कौन गलत। मम्मी, बेटी तो ठीक तो है? बेटी को बापूजी कमजोरी तो नहीं आई ना? नहीं, जरा भी नहीं। मैं आपके लिए जूस लेके आता हूँ भाभी। बाप, वो भगवान का शुक्र है, तेरा खून वनराज को सूट कर गया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।